कक्षा 11 भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र कल हम पहला ऑनलाइन क्लास दिए थे, उसमें हम लोगों ने देखा पढ़ा कि भौतिक विज्ञान क्या है, उसके विषय में, और इस भौतिक विज्ञान का समाज और टेक्नोलॉजी से क्या संबंध है उसको भी जाना जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति में जो मूल बल है, प्रकृति के मूल बल, प्रकृति में चार प्रकार के मूल बल पाए, जिसमें पहला गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चूंकि यह पहला अध्याय भौतिक जगत है, तो इस भौतिक जगत में पूरे चैप्टर के निचोड़ का सारांश दिया, इसलिए यहां हम इन बलों को केवल लिखे हैं। इसका विस्तृत अध्ययन जब अगला अलग चैप्टर आएगा तो उसमें किया जाएगा। यानी कि प्रकृति में चार प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, जिसमें पहला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। थोड़ा सा जिक्र कर दें कि यह बल कक्षा 9 में आप पढ़े भी हैं। यानी यह बल क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में दो पिंडों या दो कणों के बीच लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। उसी तरह विद्युत चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल एक प्रकाश है, जिसके विषय में अध्ययन अगर आप करेंगे तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसमें विद्युत और चुंबकीय बल दोनों होते हैं। उसके बाद नाभिक के बीच लगने वाला बल, इसको नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल और दूसरा होता है क्षीण नाभिकीय बल। यानी ये परमाणु में पढ़ेंगे किस तरह से अणु परमाणुओं के बीच जो बल लगता है नाभिक, आप जानते भी हैं नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसके चारों और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है। तो नाभिकों के बीच लगने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। इसी नाभिकीय बल के कारण ही जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगे या प्रोटॉन प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। चर्चा में ये होगी, फिलहाल प्रकृति में चार प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, लिखे रहेंगे तो आगे आपको जब पढ़ाया जाएगा तो स्पष्ट मिलेगा। इसी प्रकार भौतिक नियमों की प्रकृति क्या होती है, भौतिक माने भौतिक राशियों के संरक्षण संबंधी जो नियम होते हैं, पांच नियम है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम है। इसके विषय में आप कक्षा 9 में भलीभांति पढ़ चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का मतलब कि प्रकृति की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा कहते किसको है, स्थिति किसी भी वस्तु की स्थिति और गति ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। सारी किसी भी वस्तु में उपस्थित स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है और इसका समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके बाद फिर द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, फिर रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, फिर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। एक एक पॉइंट आगे आपको एक एक हेडिंग के रूप में जो है मिलेगा और इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह अब बात आती है कि जब हम पढ़ रहे हैं कि भौतिक राशियां लिखा हुआ है हमेशा भौतिक राशि संरक्षण, ये भौतिक राशि ऊर्जा यानी जिन राशियों को हम पढ़ते जिन राशियों को मापा जा सके, यानी वह हर राशि जिसे हम माप सके वही राशियां भौतिक राशियां कहलाती है, यानी मापी जाने वाली राशियां भौतिक राशि।
जैसे अगर कोई और किसी भी भौतिक राशि में दो बातों का ज्ञान जरूर होता है, पहला एक उसका संख्यात्मक मान होता है और दूसरा उसका जो है आंकिक मान होता है। जैसे अगर एक लड़की की लंबाई अगर मान ले 1.25 मीटर है तो आप देख सकते हैं 1.25 उसका आंकिक मान है और जो मीटर है उसका मात्रक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लंबाई एक भौतिक राशि है। उसी तरह जैसे आप कहते हैं किसी लड़की का वजन 50 किलोग्राम है तो 50 बातों उसका आंकिक मान है और जो किलोग्राम है उसका मात्रक है। इसका मतलब 50 किलोग्राम का मतलब ये हुआ कि वह 50 जो किलोग्राम है वो 50 बार शामिल है। तब मापन की क्यों आवश्यकता है, मापन मापते क्यों है किसी चीज की। अगर दो वस्तुएं हैं अलग अलग लंबाई की है तो हम देख करके कह सकते हैं कि यह बड़ा है या छोटा है या अधिक लंबा है या कम है। जैसे मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो मोबाइल, इस मोबाइल को हम कह सकते हैं कि यह मोबाइल, इस मोबाइल की जो लंबाई है इस ब्लैक बोर्ड से की लंबाई से बहुत ही क्या है, कम है। अब मुझे डाउट हुआ कि नहीं यह इतना मीटर नहीं है, मान लिया कह दिया 10 मीटर 10 फीट है, लेकिन मैं डाउट हुआ नहीं है 10 फीट नहीं 9 फीट है, हम माप सकते हैं इसका मतलब लंबाई क्या है। अब मापन क्या होता है, किसी भी अज्ञात राशि की, किसी भी अज्ञात राशि की जो तुलना होती है, कैसी राशि की, अज्ञात राशि की, किसी भी अज्ञात राशि की तुलना, किस राशि की, अज्ञात राशि की, किसी भी अज्ञात राशि की जो तुलना होती है उसके दिए गए किसी मानक राशि के मात्रक से करने की प्रक्रिया को मापना। जैसे आप बाजार में जाते हैं दुकानदार से 2 किलोग्राम आलू मांगते हैं तो वह करता क्या है कि एक बाट, जो बाट है माप है, जो किलोग्राम यानी वो मानक है, वह उसका मान हर जगह की कहीं जो है राशि होगी, किसी भी भौतिक राशि का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय पेरिस में एक स्थान है सेब्रे, कहाँ पेरिस में एक स्थान है सेब्रे, उसी सेब्रे नामक स्थान पर भौतिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। तो ये जो मापदल बनता है उसी जगह से ही बनता है, ये नहीं कि हमारे यहाँ बनारस में किलोग्राम इतना है तो दिल्ली में इतना होगा, नहीं, सब जगह उसका मानक, तो वह मानक मात्रक है। और आलू काटने देखिए पर्याप्त उसमें वह ज्ञात है, एक पल्ले पर आप करते क्या हो, किलोग्राम का बाट रख देते हो और उससे जो है उसकी तुलना करते हैं कि आलू क्या है, अज्ञात राशि है और जो किलोग्राम है उसी अज्ञात राशि का मात्रक है, तो उसी से करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, मापन। इसका मतलब कि किसी भी अज्ञात राशि की तुलना उसके मानक राशि के मात्रक से करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन। अब ये बात आती है कि राशियां मूल राशियां क्या होती है, यानी वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है अर्थात वह किसी पर भी निर्भर नहीं करती, यानी ऐसी राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती बल्कि एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र रहने वाली राशियां मूल राशियां कहलाती है। और प्रकृति में कुल 7 प्रकार की मूल राशियां पाई जाती है, जिनमें से 6 भौतिक विज्ञान की है और 1-2 भय राशि व रसायन विज्ञान में होती है, लेकिन क्योंकि वह मापा जाता है इसलिए उसको जो है कि मूल राशि में ही शामिल कर लिया गया। तो मूल राशियां 7 होती है और किसी भी मूल राशि को व्यक्त करने वाला जो मात्रक होता है उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कुछ पहला मूल राशि क्रम लिखेंगे, 2-3 इधर लिखा है मूल राशियां और उसके बाद उसका क्या होता है मूल मात्रक। तो यह मूल राशियां, ये मूल राशियां है, ये मूल मात्रक है और उसका क्रम हुआ। तो इस तरह से अगर आप लेकर के आगे बनाएंगे इस प्रकार से और यही चीज नीचे जाकर सब जो जगह अभाव में आगे लिख दिया गया है, तो पहला लंबाई होता है मूल राशि और इसका मात्र मीटर, भले वह सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर होगा लेकिन लास्ट में मीटर होगा। द्रव्यमान होता है उसका मूल मात्रक है किलोग्राम, समय है उसका मूल मात्रक सेकंड और वैद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ताप का मूल मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा जो होती है
उसका मूल मात्र मूल होता है और इन्हीं सातों राशियों से मिलकर के ब्रह्मांड की सारी राशियां बनाई गई है। तो जो राशियां मूल राशियों से मिलकर के बनती है, जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनती है, जो राशियां मूल राशियों से मिलकर बनती है उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां तो यानी व्युत्पन्न राशियां, ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? मूल राशियों से, मूल राशियों से मिलकर, मूल राशियों से मिलकर बनी राशियों को, मूल राशियों से मिलकर बनी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे में इन सातों को छोड़ करके जैसे आपका चाल है, त्वरण है, बल है, क्षेत्रफल है आप देखेंगे ये सारी राशियां। जैसे चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी एक तरह से लंबाई यानी मूल राशि, समय यानी मूल राशियां। यानी हम जब मूल राशि जो है आपकी जो है दूरी, और उस दूरी में समय से भाग देते हैं तो जो राशि आती है उसको चाल कहते हैं। इसका मतलब कि चाल का निर्माण लंबाई में समय से भाग देने पर प्राप्त होता है, अर्थात चाल दो मूल राशियों से बनी है तो ये व्युत्पन्न राशि होगी। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी राशियां हैं, आपका चाल हो, वेग हो, त्वरण हो, बल हो, घनत्व हो, आयतन हो, दाब हो, ये सारी जो है व्युत्पन्न राशियां होती है। और आज के लिए इतना ही काफी, और इसे जूम के द्वारा लेकर के आप नोट करें। अगर कोई भी कमेंट्स आपको करनी है तो निःसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से ही पता लगता है कि और कैसे बताया जाए बच्चों को, ताकि वह अच्छी तरह समझ सके। कमेंट करने से बिल्कुल ना हिचक करें। कमेंट्स करें तो कमेंट्स के लायक हो, कोई अनर्गल कोई अनुपयोग ऐसे न करें जो कि आपको भी अच्छा न लगे और हमें भी अच्छा न लगे। आज के लिए इतना ही। जय सत्य। धन्यवाद।